वेस्ट बंगाल फूड डिपार्टमेंट की तरफ से एक नया फॉर्म निकला है और वो है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म यानी ऑल इन वन फॉर्म। इस एक फॉर्म के जरिए आप रेशन कार्ड की हर तरह का काम ऑफलाइन पे कर पाओगे, जिसके लिए आपको अलग अलग फॉर्म को नहीं भरना होगा। जैसे कि फुल फैमिली का नया रेशन कार्ड के लिए फॉर्म नंबर 3, फैमिली में अगर कुछ मेंबर का रेशन कार्ड है और कुछ मेंबर्स का नहीं, तो उन मेंबर्स का नया रेशन कार्ड के लिए फॉर्म नंबर 4, नाम और पता रेक्टिफाई करने के लिए फॉर्म नंबर 5, रेशन सब चेंज करने के लिए फॉर्म नंबर 6, कार्ड सरेंडर करने के लिए फॉर्म नंबर 7, कैटेगरी चेंज करने के लिए फॉर्म नंबर 8, ऐसा अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता था। लेकिन अब से इस ऑल इन वन फॉर्म को फिल करके आप अपना रेशन कार्ड रिलेटेड हर तरह का काम कर पाओगे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल संजीव। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसा है ये फॉर्म, कहां से मिलेगा ये फॉर्म और कैसे इस फॉर्म को फिलअप किए जाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल टू नेवर मिस एन अपडेट। सो शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो को वॉच कीजिएगा बिना स्किप किए। इसके लिए आपको अपना पीसी के स्क्रीन के ऊपर जाना होगा और अपना क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना होगा। ओपन करके सर्च बार पर लिखना होगा food.wb.gov.in। लिखते ही डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सप्लाईज गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आपके सामने आ जाएगा कुछ इस तरह से। अगर आप बाएं तरफ देखोगे तो सर्विसेज का ऑप्शंस देखने को मिलेगा, उसके नीचे रेशन कार्ड ऑप्शन के ऊपर कर्सर रख के आपको अप्लाई ऑफलाइन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करते ही फॉर्म नंबर 3 से लेके 15 तक का फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसके जरिए आप अपना प्रयोजन के अनुसार एक एक फॉर्म फिलअप करके एक एक काम निभा सकते थे। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कह चुका हूं, अब देखिए 15 नंबर फॉर्म के ठीक नीचे में एक नया फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन आ गए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म इन इंग्लिश एंड इन बंगाली, यानी अब से इस कॉमन फॉर्म को यूज करके आप अपना रेशन कार्ड रिलेटेड कोई भी समस्या को सुलझा सकते हैं। नॉट ओनली दैट, आप जिस लैंग्वेज पर कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज का फॉर्म भी डाउनलोड करके अपना काम कर सकते हैं, चाहे वो बंगाली हो और नहीं तो इंग्लिश। चलिए अब डाउनलोड कर लेते हैं इस नया कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को। इसके लिए आई हैव टू क्लिक ऑन क्लिक हियर बटन। मैं यहाँ सबको समझाने के लिए इंग्लिश फॉर्म को डाउनलोड कर रहे हैं, आप अपना हिसाब से कीजिएगा। ये देखिए फॉर्म डाउनलोड हो गए हैं एंड नाउ आई हैव टू डबल क्लिक टू ओपन द कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। क्लिक करते ही ये देखिए कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गए हैं। इसको देखने में कुछ इस तरह का है। इस फॉर्म में कुल मिला के 4 पेज आपको देखने को मिलेगा और उसके अंदर 5 पार्ट्स और 2 एनेक्सर भी शामिल है। जैसे कि पहला पार्ट हर एक एप्लीकेंट को ही फिल करना पड़ेगा क्योंकि ये मैंडेटरी है। यहाँ पर एप्लीकेंट को अपना नाम बैठा के लेफ्ट साइड पर दिए गए सर्विसेज के अंदर कोई भी सर्विस को चुन लेना है अपना हिसाब के अनुसार। चाहे तो आप एक से ज्यादा सर्विसेज को भी चुन सकते हैं। जैसे कि अगर आप फुल फैमिली का नया रेशन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पहला नंबर सर्विस का जो चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है उसी के ऊपर टिक करना होगा। इसमें आप अपना फैमिली का हर मेंबर के लिए
नया रेशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकोगे। अगर आपका फैमिली में कुछ मेंबर्स का रेशन कार्ड है और कुछ मेंबर्स का नहीं है तो आप इस दूसरे नंबर का ऑप्शन को टिक करोगे। अगर आप सब्सिडाइज्ड क्रॉप्स लेना नहीं चाहते हो यानी नॉन सब्सिडाइज्ड रेशन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यू हैव टू टिक ऑन दिस चेकबॉक्स नंबर 3। एग्जिस्टिंग रेशन कार्ड में अगर पता, नाम और नहीं तो एज का करेक्शन कराना है एक ही ब्लॉक और नहीं तो म्यूनिसिपैलिटी के अंदर, तो आपको सर्विस नंबर 4 का चेकबॉक्स को टिक करना होगा। 5 नंबर सर्विस के अंदर आपको दो काम करने का ऑप्शन मिलेगा। पहला है, अगर आप रेशन कार्ड कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं यानी RKSY 1 to RKSY 2 में और नहीं तो वाइस वर्सा, तो आपको पहला ऑप्शन पर टिक करना होगा। और अगर आप अपना सब्सिडाइज्ड रेशन कार्ड को नॉन सब्सिडाइज्ड रेशन कार्ड में बदलना चाहते हैं तो आपको दूसरे ऑप्शन पर टिक करना होगा। इसके बाद आता है 6 नंबर वाला सर्विस। इसमें आपको रेशन दुकान को चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहां पर फुल फैमिली शिफ्ट करने का, पार्शियल फैमिली शिफ्ट करने का और नहीं तो कोई इंडिविजुअल को शादी, डाइवोर्स या अदर्स कोई कारण के लिए शिफ्ट करने का ऑप्शंस दिखाई देगा। इसके हिसाब से आपको खाली उस पर्टिकुलर चेक बॉक्स को टिक कर लेना होगा। नेक्स्ट है नंबर 7। अगर आपका फैमिली में किसी का देहांत हो गया है तो आपको इस सर्विस को सिलेक्ट करना होगा। जिस कारण के लिए आप रेशन कार्ड को सरेंडर करना चाहते हो उस कारण के अनुसार आपको डेथ, माइग्रेशन और नहीं तो वॉलंटरीली ऑप्शन में से किसी एक चेकबॉक्स को टिक कर देना होगा। और अंत में जो लास्ट सर्विस इस कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में दिए गए हैं वो है नंबर 8, जिसमें अगर आपका रेशन कार्ड खो गए हैं, खराब हो गए हैं और आप डुप्लीकेट रेशन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको उसी के अनुसार लॉस, डैमेज्ड नहीं तो डिफेस्ट ऑप्शंस में से किसी एक चेकबॉक्स को टिक कर लेना होगा। तो ये तो गया 8 सर्विसेज जिसको आप सिलेक्ट करेंगे आपके प्रयोजन के अनुसार। इसी के ठीक नीचे आपको सर्टिफाई करना होगा कि आप और नहीं तो आपका फैमिली शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में बिलोंग करती है बाय टिकिंग दी रेस्पेक्टिव चेक बॉक्सेस। पहला पार्ट के बाद अब आता है पार्ट नंबर 2, जहां पर एग्जिस्टिंग डिजिटल रेशन कार्ड होल्डर्स को आधार कार्ड का डिटेल्स देना होगा, यानी जिसके पास डिजिटल रेशन कार्ड है उनको आधार डिटेल्स इस पार्ट नंबर 2 पे देना ही होगा, ये मैंडेटरी है। पहला कॉलम पर सीरियल नंबर्स दिए गए हैं। सेकंड कॉलम पर अगर आपका कोई फैमिली मेंबर डिजेबल है तो आपको इस चेक बॉक्स को टिक करना होगा। तीसरा नंबर पर आपका डिजिटल रेशन कार्ड को बैठाना होगा, फॉलोड बाय रेशन कार्ड कैटेगरी जैसे कि RKSY 1 RKSY 2 PHH। उसके बाद आधार नंबर, जो कि मैंडेटरी फील्ड है, यानी इस फील्ड पर आपको आधार नंबर बैठाना ही होगा। और लास्ट कॉलम पर अगर ऐसा किसी सर्विस को जरूरत है तो आपको पार्ट 1 में से सर्विस नंबर को यहाँ बैठा देना होगा। इसके नीचे में एक नोट दिए गए हैं और वो है, अगर आपके फैमिली में 4 से अधिक मेंबर है तो आपको इस पार्ट का और एक एनेस्टर ले करके इसके साथ अटैच कर देना है, क्योंकि इसमें 4 मेंबर का ही आधार डिटेल्स देने का जगह है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, जिसमें आपको एप्लीकेंट या फैमिली मेंबर्स का डिटेल्स देना होगा, खास करके जब आप पार्ट 1 की सर्विसेज के अंदर 1, 2, 3, 4, 6 और 8 नंबर सर्विसेज में से किसी एक के लिए भी अप्लाई करें तो इसमें पहला फील्ड पर फर्स्ट एप्लीकेंट और नहीं तो हेड ऑफ द फैमिली का नाम लिखना होगा। उसके बाद उनका हेड ऑफ द फैमिली के साथ क्या रिश्ता है वो बैठाना होगा।
देन उनका फादर और मदर और स्पाउसेस नेम, उसके बाद एप्लीकेंट्स का मोबाइल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ इन DDMMYYYY फॉर्मेट एंड लास्ट में उनका आधार नंबर। और अगर इनका कुछ डिसेबिलिटीज है, यानी इफ द एप्लीकेंट इज फिजिकली हैंडीकैप्ड, देन राइट साइड का जो चेक बॉक्स है उसी के ऊपर टिक कर देना होगा। इसके बाद आता है सेकेंड एप्लीकेंट, देन थर्ड एप्लीकेंट, फॉलोड बाय द फोर्थ एप्लीकेंट का डिटेल्स बैठाने का फील्ड्स। उन मेंबर्स का डिटेल्स भी फर्स्ट एप्लीकेंट के ही तरह ही फिल कर देना है, यानी अगर आप चारों मेंबर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यू हैव टू फर्निश ईच एंड एवरी मेंबर्स डिटेल्स। इस पार्ट के नीचे में एक नोट दिए गए हैं जहां पर लिखा है कि अगर चारों मेंबर्स के साथ और भी फैमिली मेंबर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो आप, तो यू हैव टू टेक वन एनेक्सर ऑफ दिस पार्ट एंड अटैच इट विद दिस फॉर्म। अब बारी है पार्ट नंबर 4 का, जहां पर आपको प्रेजेंट एड्रेस का डिटेल्स देना होगा, विच इज मैंडेटरी इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द सर्विसेज नंबर 1, 2, 3, 4, 6 एंड 8 ऑफ पार्ट 1। यहां पर पहले डिस्ट्रिक्ट का नाम, उसके बाद सब डिविजन इफ एनी, देन यू हैव टू एंटर ब्लॉक और नहीं तो म्यूनिसिपैलिटी का नेम। अगर आप गांव में रहते हैं तो ग्राम पंचायत का नाम, और अगर शहर में रहते हैं तो वार्ड नंबर एंटर करना होगा। उसके बाद गांव में रहने वालों को अपना गांव का नाम बैठाना होगा। नेक्स्ट है फ्लैट, हाउस और बिल्डिंग नंबर विथ लैंडमार्क इफ एनी, फॉलोड बाय स्ट्रीट और लेन नेम विथ पिन कोड, और अंत में पोस्ट ऑफिस एंड पुलिस स्टेशन का नाम भी बैठाना होगा। इसके बाद आता है पार्ट नंबर 5, जो कि लास्ट पार्ट भी है इस फॉर्म का, जिसमें आपको रेशन शॉप का डिटेल्स भरना होगा। एंड इट इज मैंडेटरी इफ यू ऑप्ट फॉर द सर्विसेज नंबर्स 1, 2, 3, 4, 6 एंड 8 ऑफ पार्ट 1। बायां तरफ एक चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है, उसमें आपको टिक करना होगा अगर आप सब्सिडाइज्ड केरोसिन ऑयल पाना चाहते हैं तो। इसके बाद आपका नया रेशन डीलर का नाम, यानी जिस रेशन दुकान के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उनका नाम और लाइसेंस नंबर, एंड केरोसिन चाहते हैं तो केरोसिन डीलर का नाम और उनका लाइसेंस नंबर को बैठाना होगा। अंत में आपको एक डिक्लेरेशन देना होगा ये बोल के कि नो मेंबर ऑफ योर फैमिली हैज एवर हेल्ड ए रेशन कार्ड प्रायर टू दिस, आफ्टर दैट यू हैव टू टिक ऑन दिस चेक बॉक्स। और इस डिक्लेरेशन के नीचे आपको, यानी एप्लीकेंट और नहीं तो हेड ऑफ द फैमिली को सिग्नेचर करना होगा। अगर उनको सिग्नेचर नहीं आती है तो उनका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी चलेगा। मेन फॉर्म फिलअप करने के बाद उसके नीचे में आपको एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 देखने को मिलेगा। अगर आप शहर में रहते हो तो आपको एनेक्सर 1 जो कि अर्बन का है, और अगर आप गांव में रहते हो तो आपको एनेक्सर 2 जो कि रूरल का है वो फिलअप करना होगा। इस एनेक्सर को अच्छी तरह से पढ़ के आपको रिलेटेड बॉक्स पे टिक करना होगा। एनेक्सर फिलअप करने के बाद फॉर्म का एकदम निचले हिस्सा में जो पार्ट आपको दिखाई देगा, वहां पर आपको कुछ नहीं करना होगा। ये पार्ट ऑफिशियल यूज के लिए है, जो रिसीव किए जाएंगे विद रिसीविंग डेट एंड ऑफिशियल सील। तो ये था नया कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो अब से आपको रेशन कार्ड रिलेटेड हर एक काम के लिए अलग अलग फॉर्म को यूज करना नहीं होगा, बल्कि इस कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को इस्तेमाल करके आप हर एक रेशन कार्ड रिलेटेड समस्या को सुलझा सकते हैं ऑफलाइन। डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप कौन सा सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हो उसी के हिसाब से डॉक्यूमेंट आपको जमा करना होगा। मेनली यू हैव टू सबमिट आधार कार्ड एंड डिजिटल रेशन कार्ड का कॉपीज
along with this form, which is mandatory. तो ऐसा करके friends, इस नया common application form को भरना होगा और necessary documents के साथ नजदीकी रेशन ऑफिस और नहीं तो दुआरे सरकार कैंप पर जाके जमा करना होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। If so, then don't forget to subscribe to my YouTube channel and press the bell icon ताकि हर नया वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलते रहे। Thanks for watching। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए goodbye and take care।